ये एक एक्सीडेंट होने वाला है यहाँ पे। नहीं होगा, पावर स्टीयरिंग है हमारी, पावर स्टीयरिंग है इनकी गाड़ी। अभी हम कैची धाम पहुँच तो गए हैं, एक कार मैंने पीछे पार्क भी कर दी, एक कार वो लेके आगे गए हैं, तो अभी जाके देखता हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत हो गया है बिकॉज आगे से एक बड़ा ट्रक आ रहा है उसकी वजह से। अभी आगे जाके हमारी दूसरी कार देखते हैं, वो सही से पार्क हुई या नहीं हुई। निश्चिता खड़ी है, क्या हो रहा है? अच्छा फील नहीं हो रहा। हाँ ये पेड़ों की सुंदरता देख रही है यहाँ पे। उल्टी कितनी बार हुई? एक बार ही। सही फील नहीं कर रही थोड़ा, है ना? अभी लगेगा, नीचे उतरिए ना, आ जा। मतलब यहाँ क्या है, पार्किंग की सुविधा है ही नहीं कहीं, तो हमने एक गाड़ी अपनी यहाँ पार्क कर दिया। सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि मतलब जो हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही है वो ऐसी डेस्टिनेशन से हो रही है कि हम किसी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो अगर सफ़र की शुरुआत उधर से हो जाए तो फिर सफ़र शायद अच्छा ही होता है। और पीछे के नज़ारे तो क्या कहने, मतलब उस वाले पहाड़ पे छाया है, उधर छाया है, देन वहाँ पे धूप दिखाई देगी। तो अभी वो रह गए हैं पीछे दोबारा से, देन वो आ जाएँ तो उसके बाद सबसे पहले चलते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है बिकॉज हमें आज ही नैनी लेक एंड मॉल रोड घूमना है, उसके लिए हमें वहाँ टाइम से पहुँचना है, वहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है। सैटरडे की वजह से अच्छी भीड़ है बिकॉज क्योंकि ये जो मतलब मंदिर है वो हनुमान जी के पुजारी थे उनका है, और उत्तराखंड के जो मंदिर हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता भी है, ऐसा आपने भी सुना होगा। ये आ गया हमारा पांडा, और ये इन्नू पांडा बन गया। मतलब गाड़ी से उतरने के बाद काफ़ी ठंड लग रही थी तो इन्नू को अभी पहना दिया है कैप। तैन उत्तराखंड के जो मंदिर है उनकी बहुत मान्यता है, मैं बता रहा था अभी आपको। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले दर्शन करते हैं। ब्लॉग वैसे मतलब पर्टिकुलर एक ब्लॉग में सब कुछ कवर नहीं होगा, इसलिए एक सीरीज़ बनाई जाएगी। ये काम मैं यहाँ से वापस पहुँचने के बाद ही करूँगा, अभी सारा डाटा है वो लैपटॉप में मैं डालता रहूँगा, उसके बाद जब पहुँच जाएंगे घर पे उसके बाद इसको एडिट करके अपलोड करेंगे आपके लिए। कोशिश करेंगे कि आपको जितनी भी अच्छी जगह है वो दिखाई जाए। हाँ जी, कुछ कहोगे नज़ारों के बारे में? बहुत सुंदर है सच में, नेचर की तो बात ही अलग है। ये जो ड्रेस पहनी है ये ट्रेंड्स ही ली थी हमने उस दिन, अगर आपने ट्रेंड्स वाला हमारा ब्लॉग देखा हो तो। कितने की? 150। कम का करवा लो ना, 51 का करवा लो। अभी तो ये थाली है, जब माता रानी, नहीं माता रानी कौन, भगवान है, महाराज जी को चढ़ जाएगा ना तो ये प्रसाद हो जाएगा। आ जाओ माता रानी। पर पैसे ले लिए वापस? मम्मी मम्मी गई आगे, अभी हम मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे। इन्नो फिश, ये नीचे यहाँ पे फिश है। इन्नो फिश, वाओ। ये तो ज्यादा बड़े हो गए ना इनके लिए, एक डालना था, नहीं आती बताशे के लिए। चूरा करके डालो, चूरा करके मतलब खाया नहीं बता, चूरा करके डाल के देखो। बताशे वाला तो प्रैंक हो गया। नीचे के नज़ारे दिखाते दिखाते हम ऊपर के नज़ारे दिखाना नहीं भूल सकता मैं आपको, क्योंकि यहाँ बात ही है, ये बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे जो शूज़ हैं वो हम यहाँ पे उतार के जा रहे हैं, और अभी खुशबू दीदी और रोनी और जिया जी रुकेंगे, बिकॉज रोनी की वजह से ही रुकेंगे। जब हम दर्शन करके आ जाएंगे तो ये लोग उसके बाद देन दर्शन करने के लिए जाएंगे। परम पूज्य बाबा श्री नी करौरी महाराज, श्री वैष्णवी देवी। तो ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ लिखा है परिसर में मोबाइल का प्रयोग ना करें, तो अभी मोबाइल और कैमरा अंदर, देन अगर मौका मिलेगा तो। बाबा नीब करौली की जय हो, जय हो। अभी चलते हैं। तो अभी हम अंदर से दर्शन करके आ गए हैं, बट अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। मतलब मैंने ट्राई भी किया कि मैं दिखा पाऊँ, बट वहाँ पे मतलब होम गार्ड्स वगैरह थे तो मतलब पॉसिबल हो नहीं पाया। महाराज जी की एक बहुत अच्छी मूर्ति है अंदर,
खेरा वाली माता की मूर्ति है और हनुमान जी की भी मूर्ति है। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और अंदर ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, बहुत शांति है। फ़ोन तो जो फ़ोन है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप मतलब फ़ोन कॉल पे बात भी नहीं कर सकते, शूट तो बहुत दूर की बात है। कोई नहीं, वैसे मैं मतलब नेट से पिक्स लेके महाराज जी की एक दो पिक्स डाल दूँगा। अंदर मतलब अंदर मैंने देखा कि बहुत लोग ध्यान भी कर रहे थे महाराज जी का। यहाँ पे मंदिर के बाहर ही दुकान है जहाँ पे मतलब कड़े वगैरह, मालाएं वगैरह, शंख वगैरह मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया, बिकॉज मतलब गूगल देख रहे थे तो वो मतलब पसंद नहीं आए, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं, और अभी पेट में बहुत भूख लगी है तो सबसे पहले कुछ खा लेते हैं और फिर जल्दी से जल्दी नैनीताल के लिए निकलते हैं। पहाड़ी डांस है। तो जैसा कि अंकल ने बताया कि ये पहाड़ी डांस है जो ये लोग कर रहे हैं। चलो एक और चीज नई देखने को मिली, तो अभी क्या, अभी हम लोगों ने यहाँ पे खाना खा लिया है। खाने में जो हमने खाया, हमने मतलब यहाँ पे ये दिखाता हूँ आपको, बस यही एक होटल था जो खाना खाने के लिए था। यहाँ पे मतलब यहाँ मिल रहा था राजमा चावल और कढ़ी चावल, तो राजमा चावल की जो प्राइस थी पर प्लेट की वो 80 रुपीज़ थी और कढ़ी चावल की 70 रुपये थी। राजमा चावल ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे तो वो खाया हमने, और साथ में पकौड़ी मंगाई। पकौड़ी की जो प्लेट थी वो 50 रुपये पर प्लेट थी, एंड उसके बाद हमने चाय भी टेस्टी नहीं थी। तो सब कुछ महंगा महंगा हो रहा है अभी फ़िलहाल के, सब कुछ महंगा महंगा है। अभी यहाँ पे पुलिस की गाड़ी अनाउंसमेंट करते हुए घूम रही है कि साइड में जो भी व्हीकल लगे उन्हें हटा लें, बट ये अनाउंसमेंट का रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि मतलब यहाँ कोई पार्किंग है नहीं, तो गाड़ी लेके कहीं जाने का कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अभी जो महाराज जी थे उनकी मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। यहाँ पे दुकानों पे लगी है ये, जिनके हम टेंपल में गए थे बट अंदर मैं नहीं दिखा पाया, बहुत कोशिश की मैंने बट पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा मिलेंगे आपसे अब नैनीताल में। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं नैनी लेक में बोटिंग करने के लिए। बोट का जो हमसे चार्ज किया गया वो पर बोट है यहाँ पे, मतलब वो फिक्स है, एक बोट के 210 रुपये पूरे चक्कर के, और अगर आप हाफ चक्कर जाते हो तो उसके लिए आपको 160 रुपये लगेगा। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, टाइम हो गया लगभग 5:30 बजे, 6 बजे तक लास्ट बोटिंग होती है यहाँ पे। तो एक बोट में जो अलाउ होते हैं पर्सन वो होते हैं 3। तो अभी आप देखो यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरा नज़ारा आसपास का, यहाँ पे सब लोग बोटिंग कर रहे हैं। और ये विवेक जी भेलपुरी का आनंद लेते हुए, भेलपुरी चने का आनंद लेते हुए। ये मगरमच्छ भी है इस लेक में नहीं, और शार्क वगैरह फिश है बस। हाँ कितनी गहरी होगी, स्टार्टिंग होगी कितनी फीट है वहाँ? 120 फीट। 120 फीट है वहाँ पे, आगे को कोई पता नहीं, 350 फीट तक पता है। 350 फीट, 350 फीट का पता है, उससे आगे भी हो सकती है पता नहीं और। ये भी तो बहुत ज्यादा है एक तरह से देखा जाए तो, 350 फीट। हम तो 12 फीट के स्विमिंग पूल में बैठे थे, उसमें हम तो तैरे भी नहीं, फर्स्ट टाइम ही बैठे हैं। ये चारों तरफ यहाँ पे हिल्स हैं, और ये पूरा टाउन दिखाई देता है एक साइड में।
ये हमारे दूसरे साथी जो थोड़ा सा मतलब धूप आ रही है उस साइड से, बिकॉज वहाँ पे अभी सनसेट होने वाला है, तो अभी अच्छे से दिख नहीं रहा, जब वापस जाएंगे जब दिखाई देंगे अच्छे से। और ये देखिए मीठी मीठी सी नोकझोंक दोनों के बीच में होती हुई, वो भी होती है क्या मछली को मतलब ऐसे कूदती है क्या? हाँ आसपास इधर से कूदती हैं। हाँ दिखाई देती है। हाँ दिखाई देती है। नहीं मतलब ऐसे पानी में उतरती है क्या? और कुछ है? हाँ ना ना अभी उतरती है। अच्छा तो उतर झील है ये, हम हैं, ये हमारी बोटिंग हो रही है। ओ खूब तेज कस्ती पकड़ रखा है ऐसे। अभी जो हमारी बोटिंग है वो कंप्लीट होने वाली है, लगभग जो इसमें टाइम लगा हमें बोटिंग में, शायद मुझे लगता है पूरे राउंड में वो लगभग लगा होगा 15 से 20 मिनट, शुरू हो गई आरती। सनसेट हुआ नहीं आरती होने लगी, शांत वाली। हाँ तो पूजा करने वाले वैसे आए होंगे ना भैया। आरती कितने बजे होती है मंदिर में? 7 बजे। 6-7 बजे हो जाती है। अच्छा ये एक एक्सीडेंट होने वाला है यहाँ पे, नहीं होगा, पावर स्टीयरिंग है हमारी, पावर स्टीयरिंग है इनकी गाड़ी में। और अभी हमारी वोटिंग एंड होती हुई, बहुत मजा है। ये देखो एक एक्सीडेंट हो सकता है, ये टक, बट ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को पकड़ लिया। ये जिस बोट में हमने मतलब राइड किया इसका नाम है हेमा मालिनी और इसके ड्राइवर का नाम है धर्मेंद्र। ये इनकी हेमा मालिनी नहीं है, इनकी हेमा मालिनी घर पे होगी। यहाँ जो बोट से उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे नाइस डिलक्स, साधना डिलक्स, योगिता डिलक्स, राजा डिलक्स, सोनी डिलक्स, ऐसे करके कोई एक देखा जो मुझे सबसे अच्छा नाम लगा वो लगाया हेमा मालिनी। तो बोटिंग जो है हमारी वो हो चुकी है, देन अभी मन नहीं कर रहा इस प्लेस से जाने का, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा है, बोटिंग करने में भी बहुत मज़ा आया। बट अभी शाम हो रही है और अभी तक हमने अपना होटल नहीं लिया है, क्योंकि मतलब इसका 6 बजे तक का टाइम था और हमें थोड़ा आने में हो गया था लेट, तो हमने सोचा पहले बोटिंग कर लेते हैं शाम को ही, फिर होटल बाद में लेंगे। तो अभी यहाँ से जाके हमें होटल भी लेना है, फिर उसके बाद मॉल रोड घूमेंगे। तो अच्छा एक्सपीरियंस था बोटिंग का, आप लोग आना यहाँ पे ज़रूर बोटिंग करना, और आओ आप जल्दी जल्दी। अगर आपका यहाँ आने का प्लान बनता है तो मुझे भी बताओ कमेंट में, कमेंट करके देन कुछ ना कुछ मैं आपकी हेल्प पक्का करूँगा, उसमें गाइड तो करूँगा ही करूँगा पक्का आपको, कुछ ना कुछ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उस हिसाब से आपको गाइड भी करूँगा मैं पक्का। यहाँ पे फ़िश जो है वो देखो बिल्कुल किनारे पे ही हैं, काफ़ी सारी फ़िश दिखाई दे रही है यहाँ पे। मैं हल्का सा जूम और कर देता हूँ आपके लिए, ये देखो काफ़ी बड़ी बड़ी फ़िश है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कुछ कुछ लोग ऊपर जो हैं वो मतलब कुछ जो ऊपर लोग खड़े हैं वो कुछ खाने का सामान पटक देते हैं, तो इस वजह से ये कोने पे खड़ी हैं सभी। थोड़ी सी गंदगी है इस तरफ, बट बीच में जो लेक है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल गंदी नहीं है, थोड़ी सी कॉर्नर पे हो जाती है गंदगी। ये लेक के जस्ट साइड में यहाँ पे बोट का कंस्ट्रक्शन का काम भी होता है,
यहाँ पे बोट बन के तैयार हो रही है। देन यहाँ पे इसका मटेरियल है, वहाँ पे वो लगे हुए हैं खाती जो बोट बना रहे हैं। ये यहाँ पे ड्रेसेस लगाई हुई है, फोटोग्राफी अगर करानी है तो ये पहन के करा सकते हैं। ये था जो काउंटर जहाँ से हमने मतलब टिकट ली थी बोट की। टूरिस्ट प्लेस पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है। अभी थोड़ा लॉकडाउन में तो इन लोगों ने बहुत लॉस था, बट अभी दोबारा बहुत टूरिस्ट हैं। आज सैटरडे भी है तो आज काफ़ी ज़्यादा है। और मैगी जो है वो हर हिल स्टेशन की मैंने देखा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा मिलती है मैगी पॉइंट पूरे रास्ते में मिलेंगे आपको थोड़ी थोड़ी देर में। यहाँ अलग अलग एक्टिविटी लगी है, यहाँ पे शूटिंग गन रखी है, देन बलून फोड़ने का है, और यहाँ पे फूड का भी कुछ कुछ है हर जगह। देन इधर पूरा शॉप्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरह का सामान है। और ये रोनी मस्ती कर रहा है हमारा। हाँ खाना कुछ वैसा, फिर तुम कहते हो अभी यहाँ पे श्वेता और पिंकू कैप्स खरीद रहे हैं। किसके लिए? नूनू इन्नू के लिए। ये नूनू और इन्नू के लिए कैप ले रहे हैं, मतलब इन्नू की तो कैप लाए थे हम, बट नूनू की कैप नहीं है अभी उसके पास। और यहाँ ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा। जैकेट भी हमने एक एक ही लिए। लेयर्स के हुप्स हैं कुछ, ये मिरर वाले हुप्स हैं, और डिफरेंट टाइप के मीनाकारी वाले भी, समथिंग समथिंग कुछ इयररिंग्स हैं, और ये देखिए राउंड वाले कितने सुंदर लग रहे हैं।